प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपके दैनिक राशिफल चर्चा करूंगा। मैं इस वीडियो में इन सब बातों को जांचने परखने और समझने के लिए और समय आने पर अपनाने के लिए मेरा आज का यह राशिफल अंत तक अवश्य देखते रहिए। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आप सभी का अपना दैनिक राशिफल लेकर। क्या कहते हैं आपके ग्रह गोचर नक्षत्र और सितारे, आइए सबसे पहले इसी पर नजर डालते हैं आज के पंचांग के साथ। प्रिय भक्तगणों, आज है विक्रम संवत 2077, 4 जनवरी सन 2021। परमपिता परमात्मा जो अपने द्वार खोलेंगे वो दोपहर में 1:04 से लेकर 2:37 तक अपने द्वार हम सबके लिए खोलेंगे। इस समय विशेष परमपिता परमात्मा को स्मरण करना और उनको प्रणाम करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज का जो शुभ मुहूर्त है वो रहने वाला है 12:06 से लेकर 12:47 तक, जो किसी भी शुभ कार्य करने के लिए आप प्रयुक्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति यंत्र मंत्र तंत्र तांत्रिक क्रिया अविचार कर्म या षट कर्म करना चाहते हैं, जादू टोना इत्यादि करना चाहते हैं, उनके लिए जो मुहूर्त रहेगा वो 11:09 से लेकर 12:27 या फिर सुबह 8:33 से लेकर 9:51 तक रहने वाला है। इसके अनुसार आप अपने शुभ प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों का निर्धारण कर सकते हैं। आइए ग्रह गोचर की स्थिति पर नजर डालते हैं। आज मंगल देवता मेष राशि में विराजमान रहेंगे, राहु महाराज वृष राशि में वक्री होकर विराजमान रहेंगे, चंद्र देवता सिंह राशि में विराजमान होंगे, शुक्र देवता केतु महाराज के साथ वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे, यहाँ केतु महाराज वक्री हैं, सूर्य देवता और बुध देवता दोनों ही धनु राशि में विराजमान होंगे, बृहस्पति देवता मकर राशि में नीच के होकर विराजमान होंगे और शनि देव महाराज अपने स्वयं के घर में मकर राशि में विराजमान होंगे। और यहाँ से ये सभी ग्रह देवता हम सबको हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर आशीर्वाद देते हैं या दंड प्रदान करते हैं। तो जो लोग अपने आप को भगवान समझते हैं कि हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, तो वो अपने मन से इस प्रकार की समस्त विकृतियों को मिटा दें। परम पिता परमात्मा के यहाँ ना तो देर है ना अंधेर। जब जब हमारे पाप या पुण्य का घड़ा भरता है तो वो पाप और पुण्य छलकने लगते हैं, अंततः हमें प्राप्त होते हैं। चाहे इस जन्म में प्राप्त हो या अगले जन्म में हम भिखारी बनकर, दिव्यांग बनकर, यानी अंधे लंगड़े लूले अन्य विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होकर जन्म लें, या फिर किसी राजा महाराजा के यहाँ या किसी अमीर परिवार में ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने के लिए जन्म लें, तो यही तो हमारे कर्मों का प्रतिफल है जो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और इस जन्म में जिन जो कर्मों का फल मिलता है तो वो तो आप जानते ही हैं कि क्या कर्मों के अच्छे और बुरे फल आपको मिलेंगे। आप महसूस करते होंगे समय समय पर, आपको याद भी आता होगा, हो शायद मैंने ये ना किया होता तो ऐसा नहीं होता। एनीवे, आप लोगों की सुविधा के लिए, उन सभी भाई बहनों की सुविधा के लिए जो किसी भी कारणवश फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जन्म कुंडली के अनुसार परामर्श लेना चाहते हैं, नंबर एक वो हमारी मोबाइल ऐप एस्ट्रोलॉजी बाई गुरुजी, इसका विवरण डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ जाकर इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें और इस मोबाइल ऐप के माध्यम से हमने जो अरेंजमेंट कर रखा है आप लोगों के लिए, स्वामी जी और साधिका की सेवा ले रखी है, पंडित जी वहाँ बैठते हैं, तो वो आपके सभी प्रश्नों का डायरेक्ट मोबाइल ऐप के थ्रू ही आंसर देंगे। साथ ही साथ हम भी समय समय पर आपको आपकी सालगिरह के अनुसार, आपकी मैरिज एनिवर्सरी या होली दिवाली के शुभ अवसर पर आपको बधाइयां देने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। तो इस मोबाइल ऐप को सदैव ही अपने मोबाइल में कायम रखें, मिटाने का या डिलीट करने का प्रयास ना करें।
चलिए प्रारंभ करता हूं आज के राशिफल के साथ। मेष राशि वालों, यहां पर आपके ऊपर आपके स्वामी राशि के मालिक मंगल देवता की असीम कृपा बनी हुई है। इनको जितना मजबूत करेंगे, इनका आशीर्वाद सदैव आपको मिलता रहेगा। आप मजबूत करने के लिए इनकी मूंगा रतन की मंत्र सिद्ध पान पत्थरी से जागृत की अंगूठी धारण करें। कुछ उलझने परिवारजनों के साथ आपके जीवन में आपके सामने आ सकती हैं। और जो स्टूडेंट्स सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उनके जीवन में खुशखबरी बनी हुई है कि वो शीघ्रता शीघ्र कोई सरकारी नौकरी, प्रमोशन, इंगेजमेंट या कंपिटेटिव एग्जाम में सफलता की सूचना प्राप्त करने में समर्थ हो सके। साथ ही साथ बात करूंगा उन लोगों की जो बार बार निराश होते हैं, वो बिना किसी चीज के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करके वीडियो कॉल के माध्यम से जान सकते हैं कि वो क्यों सरकारी नौकरी के प्रयासों में बार बार असफल हो रहे हैं। साथ ही साथ आपका जीवन साथी, अगर आप शादीशुदा हैं तो कुछ अड़चनों के कारण परेशानी खड़ी हो सकती है। जीवन साथी के साथ सावधान रहें। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो बदनामी होने के बहुत ज़्यादा चांस बने हुए हैं। और साथ ही साथ जो रिश्ते की बात बनी थी वो खराब होने की तरफ किसी न किसी की मेहनत कर के फलस्वरूप जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ध्यान रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। साथ ही साथ मैं बात करना चाहता हूँ आपके भाग्य की। तो भाग्य के देवता, क्योंकि यहाँ पर नीच के हो गए, तो अपने भाग्य के देवता को मजबूत करने के लिए बृहस्पति देवता के तांत्रिक बीज मंत्र की एक माला या फिर पुखराज की अपनी जन्म कुंडली दिखाकर प्रॉपर रंग की अंगूठी की कौन सा रंग आपको सूट करेगा। पुखराज का, पुखराज में बहुत सारे कलर आते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग कलर सूट करता है, तो उसके अनुसार अंगूठी धारण करें मंत्र सिद्ध कराकर। साथ ही साथ कार्यस्थल के हालात जो हैं आपके फेवर में ही हैं। आपके जो चंद्र राशि के से जो कर्मस्थल के मालिक हैं भगवान शनिदेव, वहाँ पर विराजमान होकर आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको अभी चर्चा कर रहा था, जो लोग समय पर इंक्रीजमेंट नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, ऐसे सभी व्यक्ति बिना किसी झिझक के एक बार अपनी जन्म कुंडली दिखाकर ये अवश्य जाने कि क्या कारण है जिसकी वजह से उनको जो इंक्रीजमेंट है उनको नहीं मिल रहा है, बल्कि उनके साथ ही लगातार उनसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जो इस प्रकार के निराश व्यक्ति हैं बिना किसी झिझक के, चाहे वो निराशा नौकरी में हो रही हो, व्यापार में हो रही हो, उस निराशा को दूर करने के लिए छोटे छोटे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। वीडियो कॉल के माध्यम से हमसे चर्चा करके इन उपायों को घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आमदनी के हालात अनुकूल बने रहेंगे, जितनी मेहनत करेंगे वो आमदनी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ आपके प्रेम संबंधों की बात करते हैं तो आपके प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से आपको खुशियाँ प्राप्त होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, और शायद उनकी मदद भी आपको आपकी सरकारी नौकरी के लिए प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ वृष राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृष राशि वाले व्यक्ति उलझने तो आपका पीछा छोड़ेंगे नहीं, तो राहु महाराज की एक मंत्र सिद्ध प्राण पत्र से जागृत की हुई अंगूठी सदैव धारण करें अपने राशि रत्न की अंगूठी के साथ। लेकिन दोनों ही अंगूठियाँ हर हालत में मंत्र सिद्ध होनी चाहिए, तभी आपको शुभ फल देने में समर्थ होंगे। अनावश्यक खर्चों से बचें, चोट फोट की संभावना या एक्सीडेंट की संभावना से बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, या कोई ब्लड इन्फेक्शन, ब्लड प्रेशर या टिश्यूज में प्रॉब्लम, मांसपेशियों में खिंचाव वगैरह से बचने का अवश्य ही प्रयास करें। और यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ आपकी माता के साथ आपकी एक यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। माता को नाराज करने का प्रयास मत करें, उनका आशीर्वाद लेकर चलेंगे तभी आपको फायदा होगा। यहाँ जो स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे उनको निराशा हाथ लगती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे सभी स्टूडेंट एक बार जन्म कुंडली के माध्यम से जानने का प्रयास तो करें कि क्यों उनकी सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है। वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करें, हम अवश्य ही आपकी मदद करेंगे। साथ ही साथ मैं बात करना चाहता हूं उन लोगों के बारे में जो अपने रिश्ते की बाट जो रहे हैं लेकिन बाट लगी नहीं पा रही, कोई योग्य जीवन साथी नहीं मिल पा रहा, किसी न किसी कारण से रिश्तों की बात में अड़चन आ रही है। तो ऐसे सभी युवक युवतियां जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, प्रॉपर इस बात को समझ लें कि
जो वृष राशि वाले हैं उनको तो कोई ना कोई व्यक्ति उनके रिश्तों में कड़वाहट घोलने का प्रयास कर रहा है, मतलब आपके रिश्तों को बनते हुए रिश्तों को खराब करने का प्रयास कर रहा है, आपकी बदनामी करके, या जिन लोगों की बात नहीं बन पा रही है, जो वृष राशि के लोग नहीं हैं, वो अपने प्रॉपर जन्म कुंडली क्यों नहीं दिखाते, ताकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन में खूबसूरत सा जीवन साथी शीघ्रता शीघ्र प्राप्त कर सकें। यहां मैं बात करना चाहता हूं आपके भाग्य के बारे में, तो भाग्य के देवता आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य बरसा रहे हैं, किंतु बृहस्पति देवता का भाग्य में नीच का होकर बैठ जाना एक अच्छा सूचक नहीं है। तो बृहस्पति देवता को ठीक करने के लिए उनके तांत्रिक बीज मंत्र की एक माला, या अपनी जन्म कुंडली के अनुसार बृहस्पति देवता के रतन की अंगूठी मन से प्राण पत्र से जागृत कराकर धारण करें, जन्म कुंडली के अनुसार ही पहने, किसी के कहने में ना पहने। कर्म स्थल के मालिक में यहाँ कर्म स्थल के मालिक का भाग्य में जाकर बैठ जाना निश्चित रूप से आपके भाग्य में वृद्धि करता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इस शुभ अवसर का फायदा उठाने का प्रयास करें। आमंदी के देवता आपके फेवर में नहीं है, तो आमंदी के देवता का नीच का होना आपको परेशानी का सबब बन सकता है, तो आप उनके लिए यथोचित उपाय करें। आपके भाग्य के देवता जितना मजबूत होंगे उतना ही आपको तरक्की मिलेगी, आप जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। तो भाग्य के देवता की रतन की अंगूठी सदैव धारण करते रहें और जीवन में आनंद की प्राप्ति करते रहें। मैं यहां बात करना चाहता हूं उन लोगों के बारे में जो अपने बॉस से बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसे सभी व्यक्ति जिनका बॉस बिना बात के उनको परेशान करता है, ध्यान रखिएगा, देखिए बिना वजह किसी को सताना ठीक नहीं है। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता और सच में होता है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही सोच रहे हो, आपका बॉस आपको परेशान कर रहा है, तो हमसे वीडियो कॉल के दौरान आप चर्चा करें। हम निश्चित रूप से छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय के द्वारा आपके बॉस को इस तरीके से बंदिश में बना देंगे कि उसको आपकी शक्ल देखने से ही डर लगने लगेगा, घबराहट होने लगेगी और वो आपको डांटना तो बिल्कुल भूल जाएगा। यहां मैं बात करना चाहता हूं आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो आपके प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें। अपने प्रेम संबंधों को ठीक करने के लिए सभी युवक युवतियां वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हमारे छोटे छोटे उपाय लेकर अपने जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करें। यहां पर बात करते हैं मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों, देखो चिंता तो आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। बेस्ट तरीका यह है कि अपने राशि रतन यानी पन्ने की अंगूठी और राहु महाराज के लिए एक अंगूठी मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा से जागृत कराकर आप धारण कर लें, तो आप हमेशा मजबूत बने रहेंगे। भाग्य के रतन की अंगूठी पहनेंगे क्योंकि भाग्य के मालिक भी आपके अष्टम हो रखे हैं, तो उनकी अंगूठी पहनना भी आपको बेहद लाभदायक होगा। तो भाग्य के रतन की अंगूठी यानी नीलम की अंगूठी भी आप अवश्य धारण करें। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ आपका भाई बहनों के साथ एक यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। जो स्टूडेंट जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, चाहे वो किसी भी क्लास में क्यों ना पढ़ते हो, चाहे वो IAS के पेपर की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हो, या फिर तीसरी चौथी क्लास में ही क्यों ना पढ़ते हो, तो अगर आप ये फील करते हैं कि आपका या आपके बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, आज के कंपटीशन के ज़माने में वो कहीं फिट नहीं होता, तो आप उसके ग्रहों को उठाकर उसे मजबूत करिए, ताकि वो शीघ्रता शीघ्र आपका नाम उज्ज्वल कर सके, आपका नाम रोशन कर सके। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय जो एक ही बार करने होते हैं साल में, उन उपायों के द्वारा आपके बच्चा न सिर्फ हर बार पहले से ज़्यादा नंबर लाएगा, अभी तो उसका मन भी पढ़ाई लिखाई में अवश्य लगने लगेगा। यहाँ अपने शत्रुओं से सावधान रहें। सभी मिथुन राशि वाले, उनके शत्रु उनको परेशान कर सकते हैं, उनके उसके कारण आपकी नींद चैन हराम हो सकता है, तो अपने सभी शत्रुओं से सावधान रहने का प्रयास करें। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके जीवन साथी के बारे में। तो आपका जो जीवन साथी है उसका अपना ग्रह नीच का होने की वजह से कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकता है। अपने जीवन साथी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। बृहस्पति देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला या पुखराज की अंगूठी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी को लाभ पहुंचा सकती है। ऐसा करना उसके लिए उत्तम भी होगा। अगर आपकी शादी नहीं हो रखी है तो रिश्तों की बात इस समय चलने लगेगी।
मगर साथ ही साथ जिन लोगों की शादी हो रखी है तो उनके उस अपने जीवन साथी की वजह से कोई नौकरी, प्रमोशन, एंगेजमेंट, इंटरव्यू, कंप्लीट एग्जाम में सफलता जैसी सूचना प्राप्त हो सकती है। भाग्य की मैं बात करना चाहता हूं तो भाग्य के हालात अनुकूल नहीं है, इसलिए भाग्य को मजबूत करने के लिए मैंने आपको नीलम की अंगूठी के लिए बताया हुआ है। और कार्यस्थल के हालातों को भी सुधारने का प्रयास करें, अन्यथा आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। आमदनी यथोचित बनी रहेगी, आमदनी के देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर इस समय बना हुआ है, तो निश्चित रूप से आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। यहां पर मैं बात करना चाहता हूं, बहुत सारे लोग जो कर्जों के बोझ से फंसे हुए हैं, तो ऐसे सभी व्यक्ति जो कर्जे के बोझ से दबे जा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? अरे आमदनी बढ़ाने के रास्ते ढूंढिए ना, तभी तो आप कर्जे को चुका के उससे राहत पा सकेंगे। कर्जे को चुकाने के लिए एक और कर्जा ले लेना महामूर्खता के सिवा कुछ नहीं हो सकता। आमदनी का जी जान से प्रयास करना कि आमदनी और अधिक बढ़ जाए, ताकि जल्दी से जल्दी कर्जे की किस्तें दे दे के हम मुक्त हो जाए, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसे सभी युवक युवतियां जो कर्जे के बोझ से परेशान है, बिना किसी झिझक के वीडियो कॉल पर अपनी जन्म कुंडली दिखाकर हमें चर्चा करें, हम अवश्य कोई ना कोई राहत का चांस निकालकर उनको मदद पहुंचाएंगे, ताकि उनके जीवन में सुख शांति और सौभाग्य की वर्षा धीरे धीरे होनी प्रारंभ हो सके। यहां पर बात करता हूं आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो जो आपके प्रेम संबंध हैं वो खटाई में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं मिथुन राशि वाले, सावधान रहें, सतर्क रहें, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहां अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने प्रेम संबंधों को लेकर, तो बिना किसी चीज़ के वीडियो कॉल के द्वारा, वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करें, स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हम अवश्य ही आपकी मदद करके आपके जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ उन सभी लोगों के बारे में जो कर्क राशि वाले हैं। तो कर्क राशि वालों, परिवारजनों के साथ एक यात्रा की संभावना बनती हुई नज़र आ रही है, और परिवारजनों की वजह से आपने उनके स्वास्थ्य का, परिवारजनों का स्वास्थ्य खराब होता हुआ नजर आ रहा है, तो उनके उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए, अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अन्यथा परेशानी खड़ी हो सकती है। और यहां मैं बात करना चाहता हूं उन सभी लोगों के बारे में जो संतान सुख से वंचित हैं, डॉक्टरों की दवा खा खा कर सालों गुजर गए हैं, किसी को तो बार बार मिसकैरेज के कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रखी है और संतान प्राप्त नहीं हो रही, और किसी को गर्भधारण ही नहीं हुआ, तो कितना और अधिक इंतजार करेंगे? देखिए, जहां पर डॉक्टरों की सीमा खत्म होती है वहां से एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत होती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, चाहे कोई भी केस क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, ऑपरेशन की समस्या क्यों ना हो, लेकिन जब डॉक्टरों की सीमा खत्म होगी वहां से एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब समय आपके पास है कि आप एस्ट्रोलॉजी की शरण में जाकर अपनी जन्म कुंडली, अपने जीवन साथी की जन्म कुंडली वीडियो कॉल के माध्यम से हमसे चर्चा करें। अगर जन्म कुंडली नहीं है तो चेहरा दिखाकर और प्रश्न कुंडली के माध्यम से आप संतान रूपी खुशियां छोटे छोटे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपायों से प्राप्त कर सकते हैं। अगर परम पिता परमात्मा ने 4-6% भी संतान प्राप्ति का योग आपकी जन्म कुंडली में लिखा हुआ है, तो उस योग को मजबूत करने में हम सक्षम हैं, ताकि आप शीघ्र संतान प्राप्त कर अपने जीवन में खुशियां घोल सकें। हालांकि जब भी कोई डॉक्टर, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, आपकी पर्ची बनाता है दवाई की, तो सबसे ऊपर एक शब्द लिखा जाता है, उसके ऊपर आरएक्स। आरएक्स का मतलब होता है मैं भगवान के नाम पर ये दवाइयां आपको दे रहा हूं, तो वो भी भगवान के नाम पर आपको दवाएं देते हैं। तो हम भगवान के नाम को पर ही आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी की शरण में ले चलते हैं, जिसकी द्वारा आप संतान प्राप्त करने में सक्षम हो सके। और यहां मैं चर्चा कर रहा हूं आप कि अपने स्वास्थ्य के बारे में, तो लंग से संबंधित, छुआछूत से संबंधित बीमारी से सावधान रहें। कोरोना वापस लौट आया, जैसा कि हमने अपने वीडियो में दोबारा पीछे बोला था,
दोबारा से जब युति बन रही थी अभी 10 एक दिन पहले, कि 5 गृह फिर से इकट्ठे हो गए थे, हालात खराब हो गई थी, तो हमने आप लोगों को बताया था कि ये ग्रहण काल में एक और नई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, एक और वायरस की नई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। अंततः वो सामने आ गई तुरंत ही। तो जब एस्ट्रोलॉजी इन सब चीज़ों में सक्षम है तो आप अपना ख्याल रखिए। हम आपको एडवांस में वार्निंग दे रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, कर्क राशि वालों सावधान रहें। जीवन साथी आपको भरपूर मदद करता हुआ नजर आ रहा है। जिन लोगों की रिश्ते की बात चल रही थी उनकी रिश्ते की बात मैच्योर हो सकती है, शादी में कन्वर्ट हो सकती है, मगर बृहस्पति देवता का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। बृहस्पति देवता खराब है तो वो शादी कराएंगे ही नहीं। तो ऐसे सभी युवक युवतियाँ जो शादी ना हो पाने की वजह से परेशान हैं, बिना किसी झिझक के वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करके प्रॉपर अपनी जन्म कुंडली, और जन्म कुंडली नहीं है तो प्रथम कुंडली के माध्यम से अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं और एक खूबसूरत सा जीवन साथी प्राप्त कर अभिभूत हो सकते हैं, शादी के लड्डू को चख सकते हैं। यहां पर बात करना चाहता हूं आपके भाग्य के बारे में। तो भाग्य का जो मालिक है वो नीच का होने की वजह से आपको विशेष फल देने में असमर्थ है। तो आपको सदैव पुखराज रतन की अंगूठी पहननी चाहिए अपनी जन्म कुंडली के अनुसार। कौन सा रंग सूट करेगा उसके अनुसार निश्चित ही आपको पुखराज की अंगूठी पहनने से बेहद फायदा होगा, क्योंकि आपके भाग्य के देवताएं राशि की कुंडली से आपके भाग्य के देवता बनते हैं। तो भाग्य के देवता को ही फायदा, निर्भाग्य की देवता से फायदा नहीं मिलेगा, तो किससे फायदा मिलेगा। और यहां मैं बात करना चाहता था कार्यस्थल के मालिक आपके निश्चित ही आपके जीवन में आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आप अपने आप को तरक्की करने की तरफ तेजी से आगे बढ़ाइए। आपके इस समय तरक्की करने का चांस खुला हुआ है, आपके जीवन में आगे बढ़ने का चांस खुला हुआ है, चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं। अगर नौकरी नहीं मिली है तो वर्कआउट करिए, इस समय आपको नौकरी मिलने की संभावना बहुत तेजी से बन चुकी है। तो समय का फायदा उठाएं, मौके पर चौका मारें। आमदनी के हालात में कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है, क्योंकि वहां राहु महाराज बैठे हुए हैं। तो आमदनी से संबंधित रतन की अंगूठी भी आपको धारण करनी चाहिए, क्योंकि वहां राहु महाराज की यह स्थिति अभी आपको 2021 पूरा का पूरा गुजार देगी। तो आमदनी के देवता मजबूत नहीं होंगे तो आप जीवन में तरक्की नहीं प्राप्त कर सकेंगे। और यहां मैं बात करना चाहता हूं उन लोगों के बारे में जो इस बात से डरते हैं कि जिनसे उनसे जिन व्यक्तियों से उन्होंने कर्ज लिया है वो उनसे गुंडागर्दी पर उतरकर उन्हें धमका रहे हैं। तो ऐसे सभी व्यक्ति अपने दिल का दर्द भी किसी से बयान नहीं कर पाते। तो ऐसे सभी व्यक्तियों को मैं आज एक आशा की किरण बनकर उनके जीवन में एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी से संबंधित एक छोटा सा उपाय है उसे करने की सलाह दूंगा, मगर ये उपाय जो है जन्म कुंडली के अनुसार किया जाता है। तो वीडियो कॉल के माध्यम से आप मुझसे चर्चा करके इस उपाय को घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं या अपने आप कर सकते हैं। इस उपाय का जो मेन फायदा होगा कि आपका जो जो मनी लेंडर है जिससे आपने कर्जा लिया है, जो आपको धमका रहा है कर्जा चुकाने के लिए और आपके पास सच में पैसे नहीं है, तो हम इस उपाय के माध्यम से उसके मन में खुद से इस प्रकार से भय मौजूद कर सकते हैं कि वो आपको धमकाना छोड़ देगा। हाँ, कर्जा मांगना उसका हक बनता है और देना आपका कर्तव्य बनता है। अगर आपने किसी से कर्जा लिया तो उसको चुकाना आप ही का कार्य है। उसे अपनी संतान के कंधे पर रखकर मत छोड़ के जाइएगा। किंतु अनावश्यक रूप से डराना और धमकाना, अगर आप सच में ही कर्जा चुकाने में असमर्थ हैं तो आप कहीं कोई उल्टा सीधा काम करके तो उसका कर्जा नहीं चुकाने जा रहे। तो ऐसी स्थिति में कोई अननेसेसरी आपको डराए ना, धमकाए ना, तो उस स्थिति के निवारण के लिए ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का उपाय आपके बहुत काम आ सकता है। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो आपके प्रेम संबंधों में लड़ाई झगड़े की संभावना, मगर साथ ही साथ एक नई एंट्री की भी संभावना दिखाई दे रही है। तो आप जो भी करें सोच समझ कर करें। हालांकि यहां पर आपके प्रेम संबंधों में खुशियां आती हुई दिखाई दे रही हैं और निश्चित रूप से आप जो आपको प्रेम करते हैं वो आपके कार्य धन
नौकरी में, आपके व्यापार में आपकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। किंतु क्रोध को नियंत्रण में रखें, और जो स्टूडेंट हैं जिनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा है, अपने करियर बनाने की तरफ अगर फोकस नहीं करेंगे, तो आगे चलकर अगर आपने सब्जी का ठेला लगाने की सोच रखी है या मूंगफली बेचने की ही ठेक बोझ सोच रखी है, तो फिर कोई कर ही क्या सकता है। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि हम गारंटी देते हैं कि आपके हर साल पहले से ज़्यादा नंबर आएंगे और आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। ऐसा छोटा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का उपाय साल में जो एक बार करना होता है, उसके द्वारा आप हमसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ सिंह राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। सिंह राशि वाले व्यक्तियों, देखो आपकी कोई यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, साथ ही साथ एक नौकरी, प्रमोशन, इंगेजमेंट, इंटरव्यू में सफलता, कंप्यूटर एग्जाम में सफलता जैसी सूचना आपको मिल सकती है। इसमें परिवारजन भी आपकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। माता से झगड़ा करने का कतई प्रयास ना करें, सावधान रहें, सतर्क रहें। और यहाँ माता से झगड़ा करना यहाँ आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। भाई बहन भी माता के साथ मिलकर आपको लाभ पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे, आपके कार्यस्थल पर आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ आपके स्वास्थ्य की। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, साथ ही साथ अपने शत्रुओं से भी सावधान रहिए। आपके शत्रु आपको नुकसान पहुँचाने का भरपूर प्रयास कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी कहीं शादी के रिश्ते की बात चल रही, तो वो बात टूट सकती है, टूटने के कंगार पर पहुंच चुकी है, सावधान रहें, सतर्क रहें। और अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, उनसे लड़ने झगड़ने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। बृहस्पति देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला, शनिदेव के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला आपको बेहद लाभ पहुँचाने वाली हो सकती है, तो इस पूजा को करना आपके लिए बहुत उम्दा रहेगा। पूजा का विधि विधान बिना किसी के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ आपके भाग्य के देवता आपके ऊपर मेहरबान हैं। जितना आप मजबूत होंगे आपका भाग्य मजबूत होगा, आपकी आमदनी के ग्रह मजबूत होंगे, उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी सब चीज़ों को तो संभाला जा सकता है। आपका मजबूत होना, आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहना, आपका भाग्य का मजबूत होना नहीं, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी भाग्य आपका अगर आपका साथ देगा तो आप निरंतर तरक्की करते रहेंगे। आमदनी लगातार होती रहेगी तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे बेहतर हो ही क्या सकता है। तो आप उसके अनुकूल वर्क करें, मगर ध्यान रखें आपके घर पर और आपके कार्यस्थल दोनों ही जगह पर कोई ना कोई दुश्मन नुकसान पहुंचाने का आपको प्रयास कर रहा है। ऐसे दुश्मनों को पहचानिए और उनसे सावधान रहिए। अगर आप उन पर नियंत्रण नहीं कर सकते, तो वीडियो कॉल के माध्यम से हमसे चर्चा करके इस प्रकार के दुश्मनों को कंट्रोल करने के लिए बारे में जान सकते हैं। यहां मैं बात करूंगा आमदनी के रत्न को अवश्य धारण करें, मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा जागृत कराकर, अन्यथा इनको पहनने का कोई फायदा नहीं है। असली रत्न की आयु 3 वर्ष होती है, उपरत्न की आयु 1 वर्ष होती है, उसके बाद ये बेकार हो जाते हैं। हमेशा नई अंगूठी दोबारा से बनवा कर पहननी चाहिए मंत्र सिद्ध और जागृत कराकर। बात करूंगा आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो निश्चित रूप से आपके प्रेम संबंधों का जो मालिक है कहीं ना कहीं आपके जीवन में परेशान होने की वजह से परेशानी का कारण बन सकता है, मगर नए प्रेम संबंध बनते हुए नजर आ रहे हैं। नए प्रेम संबंधों में नई फ्रेंडशिप होने की भी आसार यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो भी करें सोच समझ कर करें, आपका जीवन है, आप हम सबसे बेहतर आप ही समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कन्या राशि वाले व्यक्ति, देखिए यहाँ पर आपका अपना ग्रह माता के पास बैठकर आपको आशीर्वाद दिलवाता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही कोई नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इंटरव्यू में सफलता जैसी सूचना दिलवा सकता है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, माता को परेशानी ना हो इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। भाई बहनों के साथ झगड़ा करने से स्थिति बदतर हो जाएगी। भाई बहनों का आशीर्वाद, परिवारजनों के साथ मिलकर आप लाभ उठा सकते हैं। और यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई लिखाई पर फोकस करने में समर्थ होंगे, उनका फोकस लगातार बढ़ता रहे, इसके लिए आप प्रयास करते रहें। जो लोग पढ़ाई लिखाई में फोकस नहीं कर पाते हैं या अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं, वो बिना किसी के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करके लाभ उठा सकते हैं छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय के माध्यम से। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ उन नालायक संतानों के बारे में जो अपने माता पिता का बार बार अपमान करते हैं। ऐसे संतान, चाहे उसकी उम्र 15 साल हो या 55 साल हो, इस खून के रिश्ते को या किसी भी खून के रिश्ते को ठीक किया जा सकता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करके। अगर आप श्रद्धापूर्वक उन उपायों को करते हैं अपनी जन्म कुंडली दिखाकर, तो निश्चित रूप से ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय आपके जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनको भी
ठीक करके आपकी फीवर में मोल्ड करने में समर्थ होते हैं। यहाँ बात करूंगा आपके जीवन साथी की, तो जीवन साथी का ग्रह खराब होने की वजह से आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें। और अगर आप कि प्रेम संबंधों की बात करूं, तो आपके प्रेम संबंधों में मैं यहाँ निश्चित रूप से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और जीवन में कोई खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपके प्रेम संबंध आपके जीवन में खुशियाँ बोलने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। भाग्य में राहु का बैठ जाना कहीं ना कहीं अड़चन डालेगा, तो राहु महाराज की अंगूठी भाग्य के रत्न की अंगूठी के साथ अवश्य धारण करें। अपने राशि रत्न की अंगूठी के साथ ऐसा करना आपको निरंतर तरक्की की ओर ले जाता रहेगा। साथ ही साथ जो आमदनी के देवता हैं उनको भी मजबूत करें, चाहे पूजा से करें, चाहे मंत्र साधना से करें, चाहे रतन की अंगूठी पहनकर करें, निश्चित रूप से लाभ देता है। अगर आमदनी के देवता अपने ही घर में बैठे हो तो आपको लाभ देंगे, कर्जे से मुक्ति दिलाएंगे। और साथ ही साथ अब बार बार आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देंगे, तो आमदनी के भाग्य के और अपने राशि के मालिक को सदैव मजबूत बनाकर रखिए, अवश्य आपको फायदा होगा। यहां मैं बात करना चाहता हूं आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो प्रेम संबंधों में जैसे कि मैंने बताया कि निश्चित रूप से खुशियां आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही थी, इन खुशियों का लाभ लेने का प्रयास करें। Namaste Guruji. What I was trying to say in the email was that there was a time whereby in my sleep I dreamt that I was walking with a friend. As we were walking, I saw a bunch of people in front of us. They were trying to attack us. Then my friend all of a sudden escaped and ran out. When I tried to run backwards, I saw the same number of people again trying to attack me. And all I did was to call out your name. Then all of a sudden I defeated all of them. आइए बात करते हैं तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्ति, जैसा कि स्पष्ट रूप से हम देख पा रहे हैं, आपका अपना घर परिवारजनों के साथ मिलकर आपको लाभ पहुंचाएगा, किंतु परिवारजनों के क्रोध से बचने का अवश्य प्रयास करें। किसी भी प्रकार के झगड़े से दूर रहने का प्रयास करें। वहां पर भाई बहन निश्चित रूप से आपकी मदद करते नजर आ रहे हैं। नौकरी प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इंटरव्यू में सफलता जैसी सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। माता का फुल टू फुल आशीर्वाद आपके साथ जरूर मिला हुआ, किंतु बृहस्पति देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्यपति करना, विधि विधान के साथ, विधि विधान ईमेल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे मंगवा सकते हैं। ईमेल हमारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ पर जो स्टूडेंट माता का आशीर्वाद लेकर पढ़ने बैठेंगे उनको वही सब कुछ एग्जाम में पूछा जाएगा जो आगे आने वाले समय में उनको काम आने वाला है। साथ ही साथ यहाँ मैं बात करना चाहूँगा उन युवक युवतियों के बारे में जिनको सरकारी नौकरी बहुत प्रयासों के बाद भी प्राप्त नहीं हो पा रही है, बार बार निराशा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे सभी स्टूडेंट बिना किसी झिझक के वीडियो कॉल के पर हमसे चर्चा करके कारण जान सकते हैं कि क्यों नहीं सरकारी नौकरी मिल रही है और क्या करने से वो तेज़ी से सरकारी नौकरी की ओर आगे बढ़ सकते हैं, या फिर अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल रही तो किस तरीके के कार्य करके वो अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, अपनी जिंदगी को सेटल कर सकते हैं। यहां मैं बात करना चाहता हूं उन लोगों के बारे में जो अपने रिश्तों की बात के प्रति बहुत ज्यादा सिंसियर हैं। तो तुला राशि वाले व्यक्ति, आपके रिश्ते की बात अचानक से तय होकर आपके जीवन में एकदम खुशियां बोल देगी, क्योंकि समय है रिश्ते की बात मैच्योर होने की तरफ जाने का। तो इस समय का फायदा उठाकर जहाँ भी बात चल रही है, जहाँ भी आपको रिश्ता पसंद है, कर डालिए, ये आपके लिए अच्छा समय हो साबित होगा। और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनका जीवन साथी उनके जीवन में खुशियाँ लाने के लिए प्रयास करेगा। यहाँ पर भाग्य के देवता का भाई बहनों की साथ जाकर बैठ जाना, यानी भाई बहनों की वजह से आपके भाग्य में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कारण इस कर्म स्थल की बात करते हैं तो आपके जो कर्म स्थल की बात करें तो यहाँ पर आपके कर्म जो हैं वो डायरेक्ट आमदनी में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे, तो उसका फ़ायदा उठाने का प्रयास करें। जितनी मेहनत कर लेंगे वो सब के सब आमदनी में बदलती हुई दिखाई दे रही है। और आमदनी में निश्चित रूप से आपके भाई बहन भी आपकी मदद कर सकते हैं, उनमें वृद्धि कर सकते हैं, उनकी सलाह मानना आपके लिए हितकारी होगा इन दिनों। और यहाँ पर बात करना चाहता हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो प्रेम संबंधों के लिए
आप अपनी माता से चर्चा कर अपने प्रेम संबंधों को मजबूत कर सकते हैं, उनकी राय मानकर प्रेम संबंधों में लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाली व्यक्तियों के बारे में। वृश्चिक राशि वाली व्यक्ति जैसा कि स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, अपने क्रोध पर अवश्य ही नियंत्रण रखिएगा। आपका अपना ग्रह जब बीमारी में बैठ जाता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको रक्तचाप से संबंधित, ब्लड प्रेशर से संबंधित, टिश्यूज से संबंधित, जॉइंट प्रॉब्लम से संबंधित या चोट इत्यादि से संबंधित की सूचना देता है। सावधान रहें, सतर्क रहें। परिवारजन आपको निश्चित रूप से नौकरी, प्रमोशन, इंगेजमेंट, इंटरव्यू जैसी सूचना दिलवाने में मदद कर रहे हैं, खुशखबरी आपके जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका उन इस सब समय का लाभ उठाने का प्रयास करिएगा। भाई बहनी निश्चित रूप से आपके मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, माता का भी पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। यहाँ पर बृहस्पति देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला करना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा, विधि विधान के साथ करना। और यहाँ अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, सावधान है, सतर्क रहें। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कैसे करियर बनाएंगे? जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और बार बार निराश हो रहे हैं, ऐसे सभी स्टूडेंटों से यही कहना चाहूँगा, एक बार अपनी जन्म कुंडली वीडियो कॉल के माध्यम से हमें दिखाएं ताकि हम आपको देख कर मदद पहुँचा सकें। अगर जीवन आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का कमजोर योग है तो उसे मजबूत करके आपको सरकारी नौकरी की तरफ पुशअप कर सकें। जीवन साथी के साथ कोई ना कोई उलझन आके खड़ी हो सकती है, अपने स्वास्थ्य का निश्चित रूप से ख्याल रखिएगा। भाग्य की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से भाग्य के मालिक आपके कर्म स्थल पर बैठकर आपके कर्म स्थल को मजबूत कर रहे हैं, तो आपको अवश्य ही वहाँ लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें परिवारजन भी आपकी मदद कर आपको लाभ पहुँचा सकते हैं। यहाँ कार्य आपकी आमदनी में भी आपके परिवारजनों की मदद से लाभ हो सकता है, परिवारजनों की सलाह मानना आपके लिए हितकारी हो सकता है आमंडली के मसले में। और यहाँ अगर मैं बात करता हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो आपके जो प्रेम संबंध हैं उन संबंधों को सुधारने का प्रयास करिएगा, क्योंकि वो गृह खराब होने की वजह से आपको बुरे रिजल्ट मिलेंगे और काफ़ी लंबा समय ऐसे अप डाउन होने वाला है। तो ऐसे सभी युवक युवतियाँ जो प्रेम संबंधों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बिना किसी एक के वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करके लाभ उठा सकते हैं, अपने जीवन में प्रेम रूपी खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको कोई मुर्गे की बलि, उल्लू की बलि या बकरे की बलि नहीं देनी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बहुत छोटे से उपाय, जो उपाय आप घर बैठे भी हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं पूरी दुनिया में कहीं भी, उन उपायों के द्वारा आप अपने प्रेम संबंध को ठीक कर सकते हैं, अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। बात करते हैं धनु राशि वाले व्यक्तियों की, तो धनु राशि वाले व्यक्ति आपका अपना घर नीच का है, लेकिन साथ ही साथ एक योग बनता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी, प्रमोशन, इंगेजमेंट, इंटरव्यू, इंटरव्यू में सफलता, कोई कंप्लीट एग्जाम में सफलता, मनचाहा ट्रांसफर, मनचाहा प्रमोशन जैसी सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। मगर आपका अपना ग्रह कमजोर होने की वजह से शायद अपॉर्चुनिटी हाथ से भी फिसल जाए, इसीलिए आपको हमेशा हम सलाह देते हैं कि पुखराज रत्न की अंगूठी अपनी जन्म कुंडली के अनुसार धारण अवश्य करें। परिवारजन आपको भरपूर लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, भाई बहन भी आपको सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर आपका अपना ग्रह नीच का होने की वजह से प्रॉपर लाभ नहीं ले पा रहा है। माता के साथ भी उलझने आकर खड़ी हो सकती हैं, किंतु जो स्टूडेंट हैं उनका पढ़ाई लिखाई में अवश्य ही मन लगेगा। और जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कोई खुशखबरी अवश्य प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके ऐसे सभी लोगों के बारे में जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, तो उनके लिए रिश्ते की बात मैच्योरिटी की तरफ जा सकती है, समय का फ़ायदा उठाएं। और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनमें उन आपका जीवन साथी आपके जीवन में खुशियां लाने का भरपूर प्रयास करेगा। यहाँ पर बात करते हैं भाग्य की, तो भाग्य की वजह से एक यात्रा की संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। कार्यस्थल के जो हालात हैं, निश्चित रूप से आप अपने दिमाग के निर्णय से उन हालातों को और उमदा बना सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर आमदनी की अगर बात करें तो आमदनी का ग्रह खराब होने की वजह से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जो भी करें सोच समझ कर करें, कुछ ऐसा ना करें जिससे आपकी आमदनी में आपको नुकसान हो। यहाँ पर बात करना चाहूँगा मैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो निश्चित रूप से आपके प्रेम संबंध आपके जीवन में खुशियां बोलने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। फिर भी जो युवक युवतियां प्रेम संबंधों को लेकर परेशान है, बिना किसी चीज के वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करके लाभ उठा सकते हैं। यहाँ बात करते हैं
मकर राशि वाली व्यक्तियों के बारे में, मकर राशि वाली व्यक्ति आपका अपना ग्रह आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, बृहस्पति देवता का भी आशीर्वाद आपको मिल रहा है। बृहस्पति देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नेत्रपति करना आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ आपके आपके भाई बहनों के बारे में, तो उनके साथ अड़चन आती हुई दिखाई दे रही, सावधान रहें, सतर्क रहें। माता का फुल टू फुल आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। स्टूडेंटों का मन पढ़ाई लिखाई में 2021 तक लगने वाला नहीं है, माता पिता कृपया ध्यान दें, अन्यथा उनकी संतान खराब हो सकती है, पढ़ाई लिखाई से विमुक्त हो सकती है। अगर पढ़ाई लिखाई से विरक्त हो गई आपकी संतान तो फिर दोबारा लाइन पर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे सभी माता पिता जो अपनी संतान के ना पढ़ने से या उनके कम नंबर आने से परेशान है, बिना किसी झिझक के वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करके एक छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय के द्वारा अपने जीवन में और अपनी संतान के जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं और संतान को इस प्रकार से बना डेवलप कर सकते हैं कि वो आपका जीवन में आपका नाम रोशन करें। यहाँ पर जो आपका जीवन साथी है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनकर आपको थोड़ा उसका मन दुख रहा है, तो अपने जीवन साथी के का ख्याल रखना आपका कर्तव्य है, उनका ध्यान रखिएगा। यहाँ भाग्य के बारे में बात करें तो भाग्य के देवता खराब होती हुई नजर आ रही, तो भाग्य के रतन की अंगूठी मंचित प्राणपति जागृत कराकर धारण करना आपको बेहद लाभदायक होगा। कार्यस्थल के हालात को अनुकूल करने का भरपूर प्रयास करें, कार्यस्थल के मालिक भी आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी मेहनत से कनेक्ट होकर आपको आमदनी में वृद्धि प्रदान करने का प्रयास करेंगे। अचानक से धन लाभ होने की भी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ आपके प्रेम संबंधों की, तो आपके प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से परेशानी और खराबी आती दिखाई दे रही, सावधान रहें, सतर्क रहें। अपने प्रेम संबंधों को संभालने के लिए वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करके छोटे छोटे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय जो हमारे यहाँ से आपको भेजे जाएंगे उनसे लाभ उठा सकते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों कंट्रोल करें अपनी शनि ग्रह को और बृहस्पति ग्रह को, दोनों की खराब स्थिति आपको परेशानी को बढ़ा सकती है, सावधान रहें, सतर्क रहें। बृहस्पति देवता के और शनि देवता के तांत्रिक बीज मंत्र की एक माला और इनसे संबंधित रतन की अंगूठी आपको बेहद लाभ पहुँचाएगी, बशर्ते आप इसे भाग्य के रतन और आमंदी के रतन की अंगूठी के साथ साथ धारण करें। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ परिवारजन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, उनके ऊपर आपको खर्चा भी करना पड़ सकता है। भाई बहन आपको फुल टू फुल सपोर्ट कर रहे हैं, माता के साथ कुछ अड़चने और उलझने आ सकती हैं, कुछ शत्रु आपके घर पर और आपके कार्यस्थल दोनों ही जगह पर आपका नुकसान करने का प्रयास करेंगे, ऐसी शत्रुओं से सावधान रहें। ऐसी शत्रुओं को कंट्रोल करने के लिए आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय हमारे यहाँ से मंगा कर लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ आपके स्टूडेंट्स के बारे में, तो जो स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको खुशखबरी मिल सकती है, कोई नौकरी प्रमोशन या कंपटीशन एग्जाम में सफलता की सूचना प्राप्त हो सकती है। और जो स्टूडेंट सरकारी नौकरी ना मिल पाने की वजह से बार बार निराश हो रहे हैं, तो वो एक बार अपनी जन्म कुंडली दिखाकर कारण समझ सकते हैं कि उनको सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ एक जीवन साथी के साथ एक यात्रा की, तो आपका जीवन साथी आपके जीवन में एक यात्रा की संभावना बनाता हुआ नजर आ रहा है और जीवन साथी की वजह से आपको एक नौकरी प्रमोशन का जो चांस है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बात करते हैं भाग्य की, तो भाग्य के देवता आपके कार्यस्थल पर बैठकर आपके निश्चित रूप से आपके कार्यस्थल पर वृद्धि प्रदान करेंगे, आपकी तरक्की होगी, उन्नति होगी, जॉब में प्रमोशन की संभावना भी हो सकती है, बशर्ते आपके शत्रु आपको नुकसान ना पहुँचाए, जैसा कि हम अभी कह चुके हैं। यहाँ पर आमदनी में निश्चित रूप से वृद्धि होती दिखाई दे रही थी, इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास करें। हालांकि आमदनी के आपके जो मेन देवता है वो नीच कर हो नीच के होकर खर्चों वाले घर में बैठ गए, तो खर्चों की अधिकता भी आपको परेशान कर सकती है। गलती से भी किसी व्यक्ति के लिए झूठी गवाही देना या उसकी जमानत लेना आपके लिए नुकसान का कारक बन सकता है, परेशानी का सबब बन सकता है, सावधान रहें, सतर्क रहें। प्रेम संबंधों के बारे में बात करें तो आपके प्रेम संबंध निश्चित रूप से आपको लाभ पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं आपको आमदनी में भी वृद्धि प्राप्त होती हुई नजर आ रही है, तो उनकी सलाह मानकर कार्यवाही करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ मीन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मीन राशि वाले व्यक्तियों देखो, तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है, अपने राशि रत्न की अंगूठी पहनना अपने जन्म कुंडली के अनुसार वो भी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। परिवारजन आपको भरपूर मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, भाई बहनों के साथ कुछ उलझने खड़ी हो सकती हैं, माता की वजह से कहीं ना कहीं आपके कार्य में निश्चित रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है, उनका आशीर्वाद लेकर कार्यस्थल पर जाना इन दिनों आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, माता पिता कृपया ध्यान दें,
कैसे आगे चलकर ये स्टूडेंट कैरियर बनाएंगे। वैसे ही इनका मन इतना चंचल रहता है, मीन राशि वाले स्टूडेंट्स का उनका मन भटकता ही रहता है, जिसकी वजह से वो आगे कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर बात करूँगा आपके प्रेम संबंधों, वो उन लोगों के बारे में जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, तो आप अब मेहनत करिए, आपको आपके कार्यस्थल से कोई जीवन साथी की प्राप्ति संभव हो सकती है। चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, वहाँ पर अगर आप अपने जीवन साथी को खोजेंगे तो कहीं ना कहीं रिश्ते की बात आपको शीघ्र ही मैचर होती हुई नज़र आ सकती है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके भाग्य की, तो भाग्य में बैठे हुए केतु महाराज और शुक्र देवता कहीं ना कहीं आपको मदद पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, आपके जीवन में खुशियाँ लाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ बात करता हूँ कार्यस्थल के बारे में, तो कार्यस्थल की जो स्थिति है निश्चित रूप से एक नौकरी प्रमोशन इंक्रीमेंट की जो सूचना है वो यहाँ पर ही बनती हुई नज़र आ रही है, तो इस सूचना का लाभ उठाने का प्रयास करें। आमदनी के हालात में निश्चित रूप से वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, तो आप इस समय का लाभ उठाकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बृहस्पति देवता के तांत्रिक बीज मंत्र की एक माला, भाग्य के रत्न की अंगूठी, आमदनी के रत्न की अंगूठी अवश्य धारण करें, यही आपके जीवन में एक बड़ी आशा की किरण बनकर आ सकती है। और जो लोग बरकत ना हो पाने से परेशान है कि उनके जीवन में बरकत नहीं हो रही, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा, ऐसे सभी युवक युवतियां, ऐसे सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राशि के क्यों ना हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करके टाइमली प्रमोशन पा सकते हैं, अपने बॉस से अच्छे संबंध बना सकते हैं, अपने जीवन में आ रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में मजबूती से खड़े हो सकते हैं। तो ऐसे सभी व्यक्तियों को मेरी यही सलाह है, अपनी जन्म कुंडली के अनुसार, और जन्म कुंडली नहीं है तो प्रश्न कुंडली के अनुसार वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों के द्वारा आप अपने जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव।